नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं और तंग आ चुके हैं विंडोज़ 10 के ऑटोमेटिक अपडेट सर्विस से? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज़ 10 में आप सिस्टम अपडेट जो है उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। अब इसमें कोई मैनुअल कंट्रोल है ही नहीं, लगभग आपका विंडोज़ 10 सिस्टम जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है आपके बैंडविड्थ को यूज़ करके और आपको पूछे बिना ही। तो इसका सीधे तरह से तो कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोगों को दिया नहीं है, लेकिन इसका एक वर्क अराउंड है जिसकी मदद से आप विंडोज़ अपडेट को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यानी कि जब चाहे आप इसको, आप विंडोज सिस्टम को जो है अपडेट कर सकते हैं और जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं सिस्टम अपडेट्स। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये विंडोज़ अपडेट बाय डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है। तो हम पहले जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ देखिए लास्ट में एक ऑप्शन है अपडेट एंड सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ चलते हैं और देखिए ये आ गया विंडोज़ अपडेट। तो चलिए देखते हैं चेक फॉर अपडेट्स करके। देखिए ये मेरा सिस्टम जो है वो अपडेट के लिए सर्च कर रहा है चेकिंग फॉर अपडेट्स, और ये देखिए एक मैसेज आ गया है कि योर डिवाइस इज़ अप टू डेट लास्ट चेक टुडे 11:11 PM, यानी कि मेरा सिस्टम जो है वो अपडेटेड है। अभी आपको दिखाते हैं एडवांस्ड ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ देखिए दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, चूज हाउ अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड। पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक जो कि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट आपका डिवाइस को ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, आप चाहें या ना चाहें, आपके मर्जी हो या ना हो। यानी कि बैकग्राउंड में सिस्टम जो है वो अपडेट के लिए सर्च करेगा और अगर इसको कोई नया अपडेट मिले तो उसको डाउनलोड भी कर लेगा आपके इंटरनेट बैंडविड्थ को यूज़ करके, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसको इंस्टॉल भी कर लेगा, ठीक है। और दूसरा ये ऑप्शन जो है नोटिफाई टू शेड्यूल रिस्टार्ट, अब इसको करने से क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट तो कर लेगा सिस्टम, यानी कि डाउनलोड तो कर लेगा अपडेट्स, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। बस इंस्टॉल करने से पहले आपको पूछेगा भैया इंस्टॉल करें अपडेट्स या नहीं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इसको फुल्ली डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग क्विक करते हैं और कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट में क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए सर्विसेस। ये देखिए सर्विसेस ऐप जो है ये आ गया, इसको खोल लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको सारे सर्विसेज का लिस्ट मिल जाएगा जो कि आपके विंडोज सिस्टम में चलता है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करके विंडोज अपडेट में आइए, ये देखिए विंडोज अपडेट, अब इसमें डबल क्लिक कीजिए तो देखिए स्टार्टअप टाइप जो है वो मेरे केस में मैनुअल किया हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। यानी कि ये स्टार्टअप टाइप, ये जो सर्विस है ये कब चलेगा कब नहीं चलेगा ये पूरा सिस्टम इसको डिसाइड करेगा, आपके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। तो आप इसको, अगर आप विंडोज अपडेट बंद करना चाहें तो आप इसको डिसेबल कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए और ये सर्विस को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये विंडोज अपडेट सर्विस डिसेबल हो गया। अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में फिर से। और फिर से चलते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी में, विंडोज अपडेट आ गया। अभी चलिए चेक करते हैं चेक फॉर अपडेट्स। ये देखिए एक एरर मैसेज आ गया, देयर वर सम प्रॉब्लम्स इंस्टॉलिंग अपडेट्स बट वी विल ट्राई अगेन लेटर। इफ यू कीप सीइंग दिस एंड वांट टू सर्च द वेब और कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर इंफॉर्मेशन दिस मे हेल्प। एक एरर कोड माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया है, लेकिन हालांकि माइक्रोसॉफ्ट जितना भी कोशिश करे, विंडोज सिस्टम जितना भी कोशिश करे, वो आपके सिस्टम को अपडेट तो नहीं कर पाया, क्योंकि सर्विस जो है इसका वो हमने बंद कर दिया है। तो इसको रिवर्ट बैक कैसे करें? अगर आप चाहे कि हाँ ठीक है चलो विंडोज़ अपडेट हो जाए तो उसको भी आप फिर से रिवर्ट बैक कर सकते हैं, वही फिर से सर्विसेज में चाहिए, वही विंडोज़ अपडेट सर्विस ढूंढिए, बस इसको जो डिसेबल कर दिया था इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए
ठीक है, और ये सर्विस जो है इसको स्टार्ट कर दीजिए। बस हो गया काम आपका, ओके कर दीजिए। फिर से चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स अपडेट एंड सिक्योरिटी में चलते हैं। अभी ये विंडोज अपडेट में रिट्राई करते हैं। देखिए अभी फिर से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो है वो फिर से अपडेट्स के लिए सर्च कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैसेज आया है योर डिवाइस इज अप टू डेट लास्ट चेक टुडे 11:16 PM, जो कि अभी का टाइम है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विंडोज 10 का ऑटोमेटिक अपडेट जो है उसको आप अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल टेक समाचार को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।